अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आज है 9 जून और मैं अपने घर पर मौजूद हूँ। मैं घर आ गया अपने। 22 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मेरा वो एक्सीडेंट बाइक से नहीं हुआ, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था। मुझे जाना था कहीं पर अपना व्लॉग बनाने के लिए और सडनली मेरा मोबाइल फ़ोन गिर गया। मैंने कहा कि यार अपन चलते हैं मोबाइल मार्केट और सेट करके आते हैं। मोबाइल मार्केट में पहुँचा, बाइक अपनी पार्क की है और स्पीड में यानी जल्दबाजी में मैं जाने लगा। फुटपाथ पर चढ़ाऊँ और रॉन्ग साइड के लिए उन्होंने एक बैरियर लगाया हुआ था। बैरियर से एक तार बंधी हुई थी, पाकिस्तानी लोग हैं, और जैसे ही पैर नीचे रखने लगा वो तार मेरे पैर में आ गई और मैं गिर गया। कैसे गिरा हूँ मैं, पूरा प्रेशर मेरा इस हथेली पे था और यूं फिर मेरे यहाँ की हड्डी टूट गई है। दैट वॉज नॉट एक्सीडेंट, दैट वॉज इंसीडेंट, हादसा हुआ था। वैसे मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं, यहाँ तक के मेरे दोस्त, ऐसी हरकतें ही ना करो कि गिरना पड़े, बाइक पे इतना लॉन्ग रूट क्यों जाते हो। सो भाई मेरा बाइक से एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरा एक व्लॉग है जो तकरीबन 3 महीने पहले का है, सुजावल जाते हुए मेरा घरों पर एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मैं बहुत बुरा गिरा था, मगर मैं कैसे बचा, मेरे सेफ्टी गेट्स थे, मेरा हेलमेट था, मेरे एल्बोज, नी गार्ड्स, एवरीथिंग, सेफ्टी गेट्स मेरे थे साथ, तो इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के, दोस्तों के मेरे, और माजरत उन सब के लिए क्योंकि ये हाथ था उसमें भी ड्रिप लगी हुई होती थी हॉस्पिटल में, तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता था। और फेसबुक पर भी जितना हो सकता है मैं रिप्लाई कॉमेंट्स वगैरह के करता हूँ, तो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर सका, उसके लिए माजरत सबको। सो मैं कल घर पहुँचा हूँ। 22 में कोई एक्सीडेंट हुआ, फिर ट्रॉमा सेंटर में मैं था और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक हफ़्ते बाद सिविल में ओपीडी में आए, तो मैं वहाँ नहीं गया। और फिर उसके बाद मैंने कहीं प्राइवेट दिखाया, फिर उसके बाद हर कोई ऑपरेट का ही कहता था। मेरा दोस्त, मेरा बहुत अच्छा भाई शहरयार, उसने मुझे हिम्मत दिलाई कि जैन 12 दिन हो चुके, तू सर्जरी की तरफ जा। तो फिर मैं सर्जरी की तरफ गया हूँ, 3 दिन एडमिट रहा हूँ और मैं कल 7 बजे यहाँ पहुँचा। मेरा ऑपरेट हुआ था तकरीबन 5 बजे और 5 से 7 मेरा 2 घंटे ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 3 घंटे तक मैं बेहोश था, मगर बेहोशी की हालत में भी बहुत चीख रहा था, मुझे पेन हो रहा था काफ़ी। फिर उसके बाद कल ड्रेन बैग होता है जिसमें खून जाता, वो पाइप खींचा गया, बहुत पेन हुआ है मुझे। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जी सो मैं अपने रूम में आ गया और मेरी जो ड्रेन लगी हुई थी जिससे ब्लड निकल रहा था वो निकाल दी है और आज इंशाल्लाह शाम में डिस्चार्ज भी हो जाएगा। अल्लाहु 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 अल्लाह। सो ये हाल है मेरा इस वक्त, बैठा हुआ हूँ बिल्कुल, ये मेरा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेटर हूँ, प्लेट्स लगी हैं, मैं एक्सरे भी इसमें अटैच कर दूँगा। और बहुत बुरा हुआ था, बस दुआ करें, आई होप कि मेरी ये रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए और मैं बहुत जल्दी अपने वही व्लॉग्स बनाऊँ और फिर कोई एक और राइड पर निकलूँ मैं, क्योंकि मैं राइड पर ही जा रहा था कहीं, मगर मोबाइल ख़राब हुआ उस वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ा।